लिए हम उत्तर ये क्या है मैम उत्तर प्रदेश पढ़ाने के लिए एक बॉक्स बनाया है, एक मैजिक बॉक्स है समझ लीजिए। ये उत्तर प्रदेश हम दिखाएंगे कि ये उत्तर प्रदेश का मैप है और जब हम इसे खोलेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। ये उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। उत्तर प्रदेश को तीन भागों में बांटा गया, गंगा यमुना का मैदानी भाग, भाबर और तराई का क्षेत्र और दक्षिण का पठार। तो हम देखते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था। सबसे पहले तो शासन व्यवस्था में ये हमारा ये राज्यपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दो, और ये है हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री। बच्चों को उसका नाम बताने के लिए इसके बैक साइड पे हमने लिख दिया है। ये है जैसे हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक बताते थे, अब हम बताएंगे राजकीय प्रतीक। और ये है राजकीय चिन्ह, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय नृत्य कथक, इस तरह से सारे बनाए गए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश को तीन भागों में जो डिवाइड किया गया, तीन जोन में और 18 मंडल है, इसके 75 जिले हैं। तो तीन जोन के हमने तीन कलर में डिवाइड कर दिया है और ये मंडल है। जब हम मंडलों को खोलेंगे तो उसके अंदर हमें जिले दिखाई देंगे ये। इसके बाद ये प्रमुख नगर एवं उनके उपनाम ये है, और ये खोलेंगे तो आ जाएगा। जैसे लखनऊ है नवाबों का शहर, मथुरा कृष्ण की नगरी, प्रयागराज संगम स्थली है, आगरा ताजमहल, गोरखनाथ के नाम पर गोरखपुर, और अयोध्या राम की नगरी। और यहाँ की कुछ प्रसिद्ध वस्तुएं हैं जिन नगरों की, वो इस तरह बताई गई हैं। देखिए जैसे फिरोजाबाद में चूड़ी, अलीगढ़ का ताला है, रामपुर का चाकू हो गया, कन्नौज का इत्र, वाराणसी की बनारसी साड़ी, लखनऊ का चिकन की कढ़ाई, आगरा का पेठा है ये, जौनपुर मूली और इमरती, मथुरा के पेड़े, गोरखपुर का उर्वरक और चीनी, भदोही की कालीन है, और कानपुर का चमड़ा उद्योग। इस तरह से उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश में इन्हें भी जाने थोड़ी मुख्य बातें हैं जो, जैसे हमारा जिला सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, प्रयागराज में। प्रयागराज में ही कुंभ का मेला लगता है जो विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम दुधवा नेशनल पार्क है, ये भी हमारे यहाँ। थैंक यू सो मच मैम। आपका विद्यालय कौन सा है? उच्च प्राथमिक विद्यालय मिंदनिया। आपका शुभ नाम मैम? गीतांजलि जायसवाल। थैंक यू सो मच।